अस्सलाम नाज़रीन, जफर इकबाल एस्क्वायर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, लास्ट वीक मैंने पाइन सिटी का विज़िट किया और पाइन सिटी की फेज़ टू के अंदर हमने काफ़ी आगे तक हमने इसका विज़िट भी किया और उस विज़िट की डिटेल्स में ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर आपके साथ मैं शेयर भी कर चुका हूँ और अभी उसी विज़िट का पार्ट टू आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और इसके अंदर उस टूर के अंदर जो हमने पाइनवुड रिजॉर्ट की बिल्डिंग्स को कवर किया वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसी तरह से वहाँ जो क्लब एरिया बन रहा है उस क्लब एरिया की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मैं साथ साथ शेयर करूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से पाइन सिटी के अंदर जो कॉटेजेस बन रहे हैं और जो पाइन सिटी के फेज वन के अंदर सी ब्लॉक के अंदर जो कॉटेजेस बन रहे हैं जो 7 मरले के हैं उनकी क्या कंडीशन है इस वक्त, वहाँ पे उनकी कंस्ट्रक्शन क्या पोजिशन है, वो सारी की सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको ये तमाम तफसीलात मिल सकें इसकी। तो नाज़रीन, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं जिसका ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ये बल्कि ग्रे स्ट्रक्चर के बाद अब इसके अंदर जो ब्लॉक वर्क है वो भी हो रहा है काफ़ी हद तक। ये इस पाइनवुड रिजॉर्ट की बिल्डिंग है और यहाँ इसकी दो बिल्डिंग बनी है, एक ये बिल्डिंग है और इसी तरह से एक ऑलमोस्ट जिसके पास से हम गुजर के आए अभी वो ये थी पाइन वैली रेजिडेंशिया, ये डिलीवर कर चुके हैं। और पाइनवुड रिजॉर्ट की बिल्डिंग जो है ये इसका ब्लॉक वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, साल डेढ़ साल में उम्मीद है कि ये भी पोजीशन इसका हैंडओवर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे मुख्तलिफ साइजेस के अंदर हैं, इसमें ज़्यादातर स्टूडियो और वन बेड अपार्टमेंट्स हैं और उसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक पाइनवुड रिजॉर्ट की ही बिल्डिंग टू जो है ना ये है, दो बिल्डिंग्स इस वक्त बनी है यहाँ पे। ये हम इस वक्त जो क्लब एरिया है क्लब के अंदर हैं, क्लब की बिल्डिंग जो है और इसके अंदर आप ये देखिए कि इन्होंने जो दरख्त इसके अंदर आ रहे हैं उसको काटा नहीं है, बाकायदा इसके अंदर से ही उसकी जगह छोड़ के तो उसको जाने दिया। ये सामने भी आप देख सकते हैं, ये पाइन सिटी के अंदर जो ट्रीज के प्रिजर्व कर रहे हैं, यहाँ ज़ाया नहीं कर रहे, गैर जरूरी कटाई नहीं कर रहे। अब ये दरख्त यहाँ बिल्डिंग के अंदर आ रहे थे तो इनको इसी तरह से इन्होंने छोड़ा, इसको काटा नहीं है इन्होंने। और यहाँ से आप व्यू जरा देखिए, ये सारी वैली सामने आपको फेज वन की नजर आ रही है और इसमें सामने ये पाइन वैली रेजिडेंशिया के एरिया है, इसी तरह से ये सेंटर में सारी फेज वन की वैली है और ये सामने जो आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं इसकी बैक साइड के ऊपर फेज टू है। अभी आज मैं आपको फेज टू का भी विजिट करवाऊंगा और यहाँ से भी आपको ये सारा इस वैली के अंदर देख सकते हैं, ये डिफरेंट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही हैं, ये देख सकते हैं। और ये जो क्लब बिल्डिंग है इसके अंदर हम लोग मौजूद हैं, ये 3-4 स्टोरी बिल्डिंग है, बड़ा खूबसूरत क्लब एरिया की बिल्डिंग बनी है। फिर यहाँ पे जो फेज वन के एरिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सामने आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है, इसी तरह से ये ऊपर देखिए, फिर इस साइड पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम मैं आपको इधर घुमाऊँ इस साइड पे आप ये देखिए, ये सामने आप बिल्डिंग देख सकते हैं। तो क्योंकि फार्म हाउसेज हैं तो यहाँ पे दूर दूर करके आबादी है, तो इसी तरह से आप ये सामने एरिया देख सकते हैं। फिर ये आपको नज़र आएगा यहाँ पे, ये रेड सी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ बीच में आपको दिखाऊं सामने, अगर यहाँ ब्लू कलर की आप नारियल छत हैं बिल्डिंग्स के ब्लू कलर के और ये वाइट टीन के छत नज़र आ रहे हैं इसके बीच में, तो फेज वन के अंदर भी आबादी होना स्टार्ट हो चुकी है और ये पाइन सिटी एक बड़ा खूबसूरत एक एरिया डेवलप हो रहा है। इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन एरिया है, बड़ा पुरसकून पीसफुल माहौल है, इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। जैसे यहाँ नीचे इसके रूम वगैरह बने हुए हैं क्लब के, इसके अंदर ये बड़े बेड इसी तरह से ये बाथरूम आप देख सकते हैं। और फिर ऊपर मैंने आपको एक दरख्त दिखाया था जो इसके बीच में से है, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से ये दरख्त इसके ऊपर जा रहा है और ऐसे ही इस एरिया के अंदर
ये मुख्तलिफ जो क्लब एरिया में जो रूम्स और बनाए हैं वो आप देख सकते हैं इधर, साथ किचन वगैरह भी है, अटैच बाथ के साथ है ये। फिर इसमें ये किचन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये किचन अभी इस जगह पे बनाएंगे। ये पांच सिटी के अंदर ये इंशाल्लाह एक बड़ा खूबसूरत इसका क्लब बनेगा, ये क्लब एरिया जो है ना बड़ा खूबसूरत बनेगा, जहाँ पे आपके लिए स्टे के वाले से भी फैसिलिटीज होंगी, साथ इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज यहाँ पे होंगी। आप ब्लू देख रहे हैं, ये टेनिस कोर्ट आप देख रहे हैं। इसी तरह से पे ऊपर करके ये जो एरिया ये क्रिकेट बना हुआ, ये एक बिल्डिंग बनी हुई है। तरह से ये भी स्नूकर क्लब की एक बिल्डिंग है, वो बता रहे थे कि यहाँ पे ये बनी है। और आप ये देखिए सामने तो आज ये आपको क्लब एरिया भी दिखा रहा हूँ जनाब में, बड़ा खूबसूरत है पाइन सिटी, वैसे नहीं कहते यार ब्यूटी है ये। आप ये देख सकते हैं ये इसके अंदर टेबल टेनिस का बना हुआ है, टेबल टेनिस कोर्ट बने हुए हैं। स्नूकर का पाइन सिटी में आपको सीसीटीवी सर्वेलेंस भी मिलेगी, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। इसी तरह से ये सामने बिल्डिंग पे लगे हुए हैं, आपको सिक्योरिटी के नजर आएंगे हर साइड पे, बड़ा सिक्योर्ड एरिया है ये। और आप जिधर जा रहे हैं वहाँ आपको सिक्योरिटी सर्विलेंस मिल रही है। तो नाज़रीन अभी आपको मैं पाइन सिटी के जो फेज़ वन के अंदर कॉटेजेस बने हैं वो दिखाने जा रहा हूँ। और इस वक्त कॉटेजेस की कंडीशन ये है कि इसके जो सात मरले वाले कॉटेजेस हैं इनका ग्रे सिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इनको अंदर से भी देख सकते हैं। इस वक्त मुख्तलिफ पार्ट्स में आपको दिखा रहा हूँ, आप ज़रा देखिए। तो नाज़रीन आज की इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि जो पाइनवुड रिजॉर्ट की बिल्डिंग्स वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रही है, उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। और बेसिकली दो बिल्डिंग पाइनवुड रिजॉर्ट की दोनों के ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक के अंदर ब्लॉक वर्क भी काफी हद तक हो चुका है। फिर पाइन सनसेट बिल्डिंग की बिल्डिंग आपने देखा है, उसके भी छह स्टोरीज के लेंटर पड़ चुके हैं। और इसी तरह से आपने क्लब एरिया को देखा कि वहां पे क्लब एरिया के अंदर आपके लिए क्लब की फैसिलिटीज भी वहां पे है, वहां स्नूकर क्लब है, टेनिस कोर्ट है, इसी तरह
जैसे टेबल टेनिस कोर्ट भी इसके अंदर मौजूद है, क्रिकेट ग्राउंड भी इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह से ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको इसके अंदर यहाँ प्रोवाइड की जा रही है क्लब एरिया के अंदर। और फिर पाइन कॉटेजेस की जो 7 मरले के हैं वो आपने देखे कि इस वक्त उनका ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो चुके हैं, फिनिशिंग के कुछ थोड़ा बहुत काम रह गया। और अगर आप यहाँ पे कोई परचेजिंग करना चाहें, अगर आप कोई कॉटेज परचेज करना चाहें, तो आपको रीसेल के अंदर ऑप्शन मिल जाएंगे। इसी तरह से अपार्टमेंट्स हैं, अगर आप उनके अंदर बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, जो पाइन रोड रिजॉर्ट बिल्डिंग है और पाइन सनसेट की बिल्डिंग्स हैं, इनके अंदर बुकिंग के अंदर ले सकते हैं। और पाइन वैली रेजिडेंशियल चूंकि ऑलरेडी ये डिलीवर कर चुके हैं, तो डिलीवर होने के बाद अब अगर वहां पे हमें कुछ चीज मिलेगी तो वो रीसेल के अंदर ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपको रीसेल में कुछ चीज चाहिए हुई तो वो भी हम इंशाल्लाह आपको निकाल के दे सकते हैं। तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं इनके ऊपर कॉन्टेक्ट करके आप ये मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। आप सब दोस्तों को देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।